हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 18। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला गया इन द फॉलोइंग फिगर और रेक्टेंगल एबीसीडी इंक्लोज 3 सर्किल If BC equal to 14 cm, find the area of shaded portion. Take pi equal to 3 of 1/7. यहाँ pi का मतलब 22/7 होता है। अगर pi की जगह इसको लेंगे फिर भी उसका मतलब 22/7 ही होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ है 3 of 1/7, 7 × 3 = 21, 21 + 1, 7 × 3 = 21 plus 1 हो गया 22/7 हो गया ना। बस वही बात है, आप इसको 22/7 लिखें या तो इस तरीके से लिखें, एक ही बात हुई, ठीक है। तो आप 22/7 लिख सकते हैं, हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है एबीसीडी इंक्लोज्ड 3 सर्किल्स, ये जो रेक्टेंगल है इसने 3 सर्कल्स को जो है बंद किया हुआ है। इफ बीसी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये जो बीसी है अगर ये 14 सेंटीमीटर का है, फाइंड द एरिया ऑफ 3 ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन ये क्या है? साइडेड पोर्शन ये सब है जो जो टच, ये सब जो पोर्शन है इसी का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इसी का हमें एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद फिर हम तीनों सर्कल्स का एरिया हम निकाल लेंगे। तो जो है दोनों के एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को और तीनों सर्कल के एरिया को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें साइडेड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यही हमें निकालना है सबसे पहले। यहां जो है बीसी इक्वल टू क्या दिया गया है? बीसी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब बीसी क्या है? बीसी विड्थ है, ठीक है। और एबी हमें पता करना है, एबी इक्वल टू क्या हो सकता है? जब बीसी बीसी 14 सेंटीमीटर है, जो ये है इस सर्किल का जो ये है डायमीटर, डायमीटर के बराबर ये जो है इसकी चौड़ाई है रेक्टेंगल की, और यहां इसी तरीके से 3 सर्किल हैं, तो यहां कितने रहेंगे? 3 डायमीटर रहेंगे। 3 डायमीटर मतलब 14 + 14 + 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एबी इक्वल टू 14 + 14 + 14 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, है ना। एल है, एल की जगह ये है, और एल क्या है? लेंथ, लेंथ है ये ए बी और ब्रिथ है बी सी, ठीक है। मतलब इक्वल टू इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। ए बी की जगह क्या है? 14 है, ए बी, ए बी की जगह 42 है, और यही लिख सकते हैं 42 इंटू 14 चल जाएगा। क्या आ जाएगा? 588 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो हम कैसे क्या करेंगे? सब पहले एक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, एक सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, सभी सर्किल सेम साइज का है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 सर्किल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सब एरिया सर्किल हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
रेडियस क्या होगा? जब डायमीटर डायमीटर बराबर है इसके बीसी के बराबर, जो सर्किल है सर्किल का डायमीटर बीसी के बराबर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का ही होगा। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 होता है, ठीक है, डायमीटर बाय 2 होता है। डायमीटर क्या है, 14 है, तो ये हो जाएगा 7। तो रेडियस क्या हो गया है, रेडियस हो गया है 47 है ना। आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रेडियस, मतलब आर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता चल गया, ठीक है। एरिया सर्किल में हमने रेडियस पता कर लिया है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया सर्किल निकाल सकते हैं, एरिया सर्किल निकाल सकते हैं। तो एरिया सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह आप ये रखे 3/7 रख सकते हैं, या तो 22/7 रख सकते हैं। यहां बोला गया है 22/7 रख लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा, 22/7 और आर की जगह है 7 × 7 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 7 से 7 मल्टीप्लाई कट जाएगा, 7 और 22 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 22 और 7 बचा हुआ है मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 14 × 4 = 15 = 154, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, किसका, एक एरिया का, एक सर्किल का एरिया है, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ थ्री सर्किल क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ थ्री सर्किल, तो 3 × 154 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक का एरिया यहां पता चल गया है, तो थ्री सर्किल तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी सेम साइज के सर्किल हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तीनों सर्किल का एरिया निकल जाएगा, 3 × 4 = 12 हो गया, 1 × 3 = 15 = 16 + 4 = 1 + 3 = 4 = 64, ठीक है, 4 × 3 = 12 1 × 5 = 15 1 × 3 = 4, ठीक है, 642 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये थ्री सर्किल का एरिया है, निकल गया है। अब हम लिख सकते हैं दो, यहां दो चीज निकल गया है, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया है, और एरिया ऑफ थ्री सर्किल निकल गया है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन क्या होगा, हम लिख सकते हैं 588 - 462 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 588 है, 462 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 × 8 = 2 = 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा साइडेड पोर्शन का, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिए। अब देखिए बात समझ आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।